अपनी सेविंग्स का इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं म्यूचुअल फंड में, स्टॉक्स में, डिबेंचर में, इसके साथ साथ गोल्ड और ईटीएफ में भी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। लेकिन यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स करने का एक एवेन्यू ऐसा भी है जिसको लोग भूल जाते हैं या ज्यादातर लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स नहीं करते हैं और करते हैं तो गलत तरीके से करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंश्योरेंस की। मैं ऐसा नहीं कहता कि लोग इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट्स नहीं करते हैं, मेरे कहने का मतलब यह है कि ज्यादातर लोग जो पॉलिसीज में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं वो सही पॉलिसी में इन्वेस्टमेंट्स नहीं करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है विमल और मैं एक फाइनेंस प्रोफेशनल हूँ। आप सभी का स्वागत है इंश्योरेंस सीरीज के सबसे पहले एपिसोड में, जहां पर मैं आपको बताने वाला हूँ लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। अगर आप लोग किसी भी तरीके की इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हैं तो यहाँ पर तीन तरीके की इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, और ये तीन तरीके की इंश्योरेंस पॉलिसी कौन सी होती है इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको इन डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अगर अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को चेकआउट नहीं किया तो उस वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर जाकर वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में आपको लाइफ इंश्योरेंस के बारे में सब कुछ बताऊंगा, आखिर लाइफ इंश्योरेंस है क्या, लाइफ इंश्योरेंस में लोग इन्वेस्टमेंट्स करते क्यों हैं। इसके साथ साथ वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि लाइफ इंश्योरेंस के कितने टाइप्स होते हैं और आपको कौन सी एज पर लाइफ इंश्योरेंस लेनी चाहिए। आज का जो वीडियो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को कर देना लाइक, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि लाइफ इंश्योरेंस होती क्या है, हम लोगों को ये समझना काफी ज्यादा जरूरी है कि इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है और आखिर हम लोगों को इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट्स क्यों करना चाहिए। जब कभी भी हम लोग किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो उस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के जो रिटर्न होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। अगर आप शेयर्स में इन्वेस्टमेंट्स करते हो तो एक लिमिटेड अमाउंट तक रिटर्न कमा सकते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करते हो तो एक लिमिटेड अमाउंट तक रिटर्न कमा सकते हो। इसके अलावा आप मार्केट में किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो यहाँ पर एक लिमिट है, आपको उतने ही रिटर्न मिलेंगे। लेकिन इंश्योरेंस पॉलिसीज में इसका अपोजिट होता है। इंश्योरेंस पॉलिसी में होता क्या है कि आपको प्रीमियम पे करना पड़ता है इंश्योरेंस कंपनी को, और इसके अगेंस्ट में इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो आपको अश्योरेंस देती है। जिस किसी ने भी इंश्योरेंस लिया है उसका एक्सीडेंट हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती है। इसके अलावा बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होते हैं जहां पर पॉलिसीज आपको कवर देती हैं। इसके अलावा बहुत सारे क्लॉजेस होते हैं जहां पर आपको इंश्योरेंस पॉलिसीज से काफी ज्यादा हेल्प मिलती है। होप करता हूं कि अभी तक आपको इंश्योरेंस पॉलिसीज के बारे में पता चल गया होगा कि आखिर इंश्योरेंस पॉलिसी होती क्या है। लाइफ इंश्योरेंस भी एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है जहां पर आप इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम पे करते हैं और इसके अगेंस्ट में इंश्योरेंस कंपनी आपको अश्योरेंस लेती है। जिस किसी ने भी लाइफ इंश्योरेंस ली है अगर उसकी डेथ हो जाती है या एक्सीडेंट की वजह से कुछ हो जाता है, यहां पर इंश्योरेंस कंपनी जो है वो वेरिफिकेशन करने के बाद एक पर्टिकुलर सम अश्योरेंस का जो अमाउंट होता है वो नॉमिनीज को देती है या पॉलिसी होल्डर को देती है। अब मैं आपको ये बता देता हूं कि लाइफ इंश्योरेंस के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। जिस किसी ने भी लाइफ इंश्योरेंस लिया है और यहाँ पर इसके एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो जाती है या नेचुरल क्लाइमेटीज की वजह से डेथ हो जाती है, तो यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी जो है वो एक पर्टिकुलर अमाउंट जो होता है वो उसके फैमिली मेंबर्स को या नॉमिनीज को देती है, जिसका इस्तेमाल ये लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं, जहां कहीं भी यूज करना है वो लोग यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस का सबसे पहला बेनिफिट और सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट ये है, लाइफ इंश्योरेंस से आपकी फैमिली को फाइनेंशियल अश्योरेंस मिलता है, यहाँ पर फाइनेंशियल सिक्योरिटीज मिलती है। लाइफ इंश्योरेंस के क्लेम की सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि लाइफ इंश्योरेंस के क्लेम का अमाउंट जो बेनिफिशियरीज होते हैं वो कहीं पर भी यूज कर सकते हैं इनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, फिर चाहे वो स्कूल की फीस पे करनी हो, फिर चाहे अपना घर बनाना हो या फिर कहीं पर कोई प्लॉट परचेज करना हो। इस पैसे का इस्तेमाल वो लोग कर सकते हैं अपने मन मर्जी के हिसाब से, यहाँ पर किसी तरीके का कैशबैक नहीं मिलता है या कूपन नहीं मिलता है, यहाँ पर स्ट्रेट अवे आपको कैश मिलता है। लाइफ इंश्योरेंस का अब तक का खास बेनिफिट है कि लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी में आप एड ऑन करवा सकते हैं, मतलब जो भी आपकी एग्जिस्टिंग पॉलिसी है आप वहाँ पर कोई एडिशनल पॉलिसी या एडिशनल सर्विसेज को ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पर जितना भी आपका सम अश्योर्ड होता है उसकी लिमिट जो है वो एक्सटेंड करवा सकते हो, सम अश्योर्ड के अमाउंट को बढ़ा सकते हो। तो ये लाइफ इंश्योरेंस का काफी अच्छा और काफी फ्लेक्सिबल बेनिफिट है जो अभी तक मैंने आपको लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बताया। इसके साथ साथ मैंने लाइफ इंश्योरेंस के बेनिफिट्स के बारे में बताया, लेकिन आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस में भी बहुत सारे इंश्योरेंस के टाइप्स होते हैं, तो यहाँ पर कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी किसके लिए बेनिफिशियल होगी। चिंता मत करो, ये भी बता देता हूँ। लाइफ इंश्योरेंस में दो टाइप की इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, जहां पे सबसे पहली इंश्योरेंस पॉलिसी है टर्म लाइफ इंश्योरेंस। यहाँ पर क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टर्म के लिए आप एक पॉलिसी लेते हो, अगर उस पर्टिकुलर टर्म के अंदर आपको कुछ हो जाता है तो पॉलिसी की कंपनी जो है वो आपको अश्योरेंस देगी और इसके साथ साथ आपके फैमिली को प्रोटेक्शन देगी। चलो मान लेते हैं कि आपने 10 साल की टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली, लेकिन यहाँ पर 10 साल के अंदर ना ही आपका एक्सीडेंट होता है और ना ही आपकी डेथ होती है, तो पॉलिसी के अंदर जो आपने जितना भी अमाउंट भरा है वो अमाउंट आपको रिटर्न मिलेगा विद इंटरेस्ट। यहाँ पर सेकंड टाइप है परमानेंट लाइफ इंश्योरेंस। जैसे कि टर्म लाइफ इंश्योरेंस में यहाँ पर टर्म्स होते हैं 10 साल के, 20 साल के, 30 साल के, जो भी टर्म्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर परमानेंट लाइफ इंश्योरेंस में होता क्या है कि आपकी जो भी इंश्योरेंस की अमाउंट है, भले वो 6 महीने की हो, 1 साल की हो, आपको कंटिन्यूअसली प्रीमियम पे करनी है, और इस पॉलिसी के चलते अगर आपकी डेथ हो जाती है, किसी एक्सीडेंट की वजह से कुछ ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस वक्त वेरिफिकेशन करने के बाद कंपनी जो है वो आपको या आपके बेनिफिशियरीज को एक सर्टेन फिक्स अमाउंट देगी, जो कि आपके इंश्योरेंस पॉलिसीज में लिखा होता है। लेकिन यहाँ पर परमानेंट लाइफ इंश्योरेंस जो है इसके भी तीन टाइप्स हैं। सबसे पहला टाइप है होल परमानेंट लाइफ इंश्योरेंस। यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो सम अश्योर्ड है वो फिक्स होता है, और इसके साथ साथ इसकी जो प्रीमियम होती है वो भी फिक्स होती है। मतलब अगर आप हर साल 12,000 भर रहे हैं तो हर साल आपको 12,000 ही भरने हैं, प्रीमियम का अमाउंट जो है वो कम या ज्यादा नहीं होगा। यहाँ पर सेकंड टाइप है यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। यूनिवर्सल पॉलिसीज के बेनिफिट भी सेम है जैसे कि होल लाइफ इंश्योरेंस के बेनिफिट्स, लेकिन यूनिवर्सल
लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का सबसे बड़ा बेनिफिट यहाँ पर यह है कि जब आप इन्वेस्टमेंट्स कर लेते हो काफी सारा अमाउंट, तो बाद में आप चेंज कर सकते हो आपके इन्वेस्टमेंट्स करने की फ्रीक्वेंसी को। तो यहाँ पर आप अपनी प्रीमियम की फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पर तीसरे इंश्योरेंस का टाइप है वेरिएबल लाइफ इंश्योरेंस। यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो बेनिफिट है वो तो सेम रहने वाला है पिछली दो पॉलिसी की तरह, लेकिन जो प्रीमियम भरना है ना आपको, वहाँ पर आपको बहुत ज्यादा छूट मिलती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर आपको साल का 12,000 भरना है तो आपको साल का 12,000 भरना है, और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से महीने में कितना भर सकते हैं। मतलब पहले महीने में भी आप पूरे के पूरे 12,000 भर सकते हैं, 500 भर सकते हैं, 1,000 भर सकते हैं, बाकी का अमाउंट अलग से भर सकते हैं, लेकिन आपको एक साल में 12,000 का अमाउंट जो है वो क्लियर करना है। होप करता हूँ कि आपको लाइफ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस के टाइप्स के बारे में समझ में आया होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी एज में आपको लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी जो है वो लेनी चाहिए। अगर आपको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है तो मेरा पर्सनल ओपिनियन और मेरा पर्सनल सजेशन यही है कि आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लाइफ इंश्योरेंस ले लेनी चाहिए, क्योंकि जितना जल्दी हम लोग लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं उतना कम प्रीमियम हम लोगों को भरना पड़ता है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारा प्रीमियम का जो अमाउंट है वो बढ़ते जाता है। अगर आप अपने 20s में हो और अच्छे खासे पैसे कमा लेते हो, इसके साथ साथ एक लाइफ इंश्योरेंस अफोर्ड कर सकते हो, तो लाइफ इंश्योरेंस आपको जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लाइफ इंश्योरेंस का बेनिफिट सिर्फ आपको ही नहीं मिलता है, आपकी फैमिली को भी मिलता है। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया है कि कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं। आज के इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। होप करता हूँ कि आज की इंपॉर्टेंट वीडियो से आपको काफी कुछ समझ में आया होगा लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। और अगर आपको आज का वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और इसके साथ साथ अगर इस चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपको मिलूंगा इंश्योरेंस सीरीज की अगली वीडियो में, जहां पर हम लोग बात करने वाले हैं हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।